तो आज दोस्तों यार हम लोग अपना खुद का एक होटल खोलने वाले हैं और ये होटल भाई शहर का सबसे ज़्यादा बेहतरीन होटल होने वाला है और इस गेम का नाम है होटल मैनेजर सिमुलेटर 3D। तो आ जाओ भाई लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। बट यार सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं, अपने होटल का कुछ तगड़ा सा नाम रख देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो चलो यार अपने चैनल का नाम रख देते हैं KFO होटल। भाई मेरे को तो सही लग रहा है, आप लोग कैसे लग रहा है कॉमेंट कर देना। तो चलो ठीक है दोस्तों, अपना हो चुका स्टार्ट गेम एंड जॉयस्टिक वगैरह। चलो ठीक है, हटाओ भाई इसको, काम खत्म करो। एंड ओ भाई यार यहाँ पे होटल की बात हुई थी, जिम कहाँ से आ गया यार, अलग नाटक चल रहा है। एंड अरे 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 भाई होटल पीछे जिम सामने है। चलो जिम वगैरह भी इस गेम में है एंड होटल भाई अपना बहुत तगड़ा दिख रहा है यार, देख रहे हो, अपग्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेवल 1 पे इतना घाता का तो भाई आ गया, और लेवल पे क्या होगा। एंड अरे 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 भाई गेम इंस्टॉल करने से पहले ही लाइन लगी यहाँ पे। ओ भाई साहब, चलो ठीक है आ जाओ अभी होटल बाद में ये। अच्छा ठीक है, अपने को टास्क पहला दिया जा रहा है, अपने को कुछ शॉपिंग करनी है यहाँ से। तो ये है अपना कंप्यूटर, यहाँ पे अपने को एक भाई बेड बुक करना है। $200 भाई अपने आते ही ख़त्म हो चुके हैं घातक तरीके से। चलो ठीक है, सबसे पहले अपने होटल को घूम लेते हैं। एंड कुछ ज़्यादा ही बड़ा होटल है यार, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड यहाँ पे गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं बंदे। मतलब यहाँ पे एक बंदा अगर आता है तो उसे भाई कुल मिला के सारे मज़े मिलने वाले हैं। ये क्या, अच्छा रूम नंबर 5 है, ये रूम नंबर 4 है, रूम नंबर 3 है, सारे के सारे रूम बंद है एंड CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये हुई ना बहुत तगड़ी वाली। ये रूम नंबर 1 है तो अपने को अनलॉक करना है एंड सेकंड फ्लोर भी है, अरे मतलब फर्स्ट फ्लोर भी है। तो चलो सारी की सारी चीज़ें अनलॉक करेंगे। बट अभी सबसे पहले हम लोगों ने जो सामान मंगाया था वो भाई आ चुका है। तो चलो यहाँ से हम लोग बेड उठाते हैं एंड मस्त तरीके से दोस्तों बेड को अपने सेट करते हैं रूम नंबर 1 में और अपने होटल का शुभ आरंभ करते हैं। लाइन यार बहुत घातक वाली लगी हुई है, मेरे को लगा नहीं था अपना पहला दिन इतना घातक होगा। चलो भाई अपने को गिफ्ट पैक मिला है तो ये बहुत शानदार बात है भाई, फ्री में अपने को कुछ चीज़ें मिल गई तो बहुत सही वाली बात है। काफ़ी बड़ा रूम है, आ जाओ यहाँ पे हम लोग निकालते हैं बेड और बेड को कर देते हैं यहाँ पे कोने में सेट। चलो अरे 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 आराम से भाई, रुक जाओ ऐसे लगाते हैं। मस्त तरीके से दोस्तों हम लोगों ने बेड लगा दिया एंड अब ये अपने को टॉयलेट यहाँ पे लगाना है। तो आ जाओ दोस्तों, ये रहा अपना टॉयलेट, अपने को गिफ्ट में मिला था, हम लोगों ने केवल बेड मांगा था लेकिन अपने को गिफ्ट पैक में पहली बार गेम खेलना है इसलिए मिल गया सारा का सारा चीज़। चलो ठीक है, दोनों चीज़ लगा दिए एंड अब शायद से अच्छा ठीक है। रेंट है दोस्तों अब $6, एक दिन का रेंट है भाई $6, तो ये बहुत शानदार बात है एंड पहला रूम रेडी हो चुका है, इसे रेंट पर हम लोग दे सकते हैं। $6 शानदार तरीके से अपने खाते में आते हुए, मज़ेदार दोस्त अपनी शुरुआत हो चुकी है एंड ग्राहक भाई बहुत ज़्यादा हैं इसलिए अपने को, रुक जाओ बेड हम लोग थोड़ा सा बुक कर लेते हैं। एंड ओ नो, $200 का बेड है भाई, अपने पास अभी $56 है, मतलब $150 कम है। एंड भाई यार अपनी हालत ख़राब हो गई है भाई, रूम गंदा हो गया, बंदा अभी अभी तो अंदर गया था यार। भाई मेरे को लग रहा है बंदा अंदर आया, कूड़ा फेंका एंड बाहर भाग गया भाई। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपने को $6 की कमाई हो चुकी है एंड यहाँ पे कर्टेल भी यहाँ पे सही कर देते हैं। चलो यहाँ पे बेड वगैरह भी सही कर देते हैं। चलो दोस्तों यार अपना रूम नंबर 1 फिर तैयार हो गया, तो ये अपने का कॉन्सेप्ट है। चलो रूम नंबर 2, ओ भाई $200 में ये अनलॉक होगा एंड $200 का बेड खरीदना पड़ेगा, मतलब $400 कम से कम अपने पास होने चाहिए रूम नंबर 2 के लिए। पर ठीक है अभी रूम नंबर 1 से ही काम चलाते हैं एंड अच्छा ठीक है, इसको $45 अपने को वापस करने हैं। तो चलो ठीक है, ये हुई ना बहुत तगड़ी वाली एंड बहुत तगड़ी वाली लाइन लगी हुई है एंड अपने पास भाई 5 के 5 रूम बंदा है। ओ भाई यार ये बंदा कहीं, यार ये तो एडम है ना फ्री फायर वाला, हाँ वही है। कौन कौन बंदा भाई फ्री फायर खेलता है कॉमेंट करके बताना, ये एडम ही है ना भाई, मैं खेलता रहता हूँ बीच बीच में फ्री फायर, यार फ्री फायर के कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं एंड बहुत शानदार है। चलो ये अच्छी बात है एंड लाइन तगड़ी वाली लगी हुई है एंड यहाँ पे अच्छा ड्रिंक्स वगैरह अपने पास है नहीं इसलिए फ्रिज यहाँ पे रखी हुई है, तो चलो इसको बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन यार अपना होटल बहुत ज़्यादा शानदार है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपने को करनी है बट अभी अपने को रूम नंबर 1। भाई यार बंदे यार कूड़ा फेंक के चले जा रहे हैं क्या, यहाँ पर रह वह नहीं रहे मेरे को लग रहा है। बट ठीक है अपने को क्या करना है, 2-4 सेकंड रह रहे हैं, अपने को $6 मिल जा रहा है तो ये इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। जल्दी जल्दी अपने को पैसे अर्न करने हैं, सारे के सारे रूम भाई अनलॉक करने हैं। तो रुक जाओ यहाँ पे रूम नंबर 1 बहुत शानदार तरीके से, एडम चचा बहुत ज़्यादा अमीर है फ्री फायर में, तो भाई एडम की कोई इज्जत नहीं है लेकिन यहाँ पे भाई एडम बहुत ज़्यादा अमीर है एंड मेरे को लग रहा है बहुत सारे कैरेक्टर अपने को फ्री फायर के देखने के लिए मिलने वाले हैं इस पर। तो चलो आगे जैसे जैसे गेम के बढ़ेंगे अपने को सब कुछ समझ में आता जाएगा। एंड चलो एडम चचा गए अंदर शानदार तरीके से एंड हम लोग भाई रूम नंबर 2 के। एंड ओ गाइस यार ये देखो टाइमर, इतने सेकंड बाद भाई अपना बंदा निकल आता है, ये बात यार 3-4 सेकंड ही बंदे अंदर रह रहे हैं एंड वहाँ से भाई निकला नहीं, गायब हो गए क्या, ओ भाई भूत वूत है क्या।
कमरे के अंदर एडम गया है, डायरेक्ट से मेरे को लग रहा है फ्री फायर में ही निकलेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, बंदे अंदर जा रहे हैं, 5 सेकंड रह रहे हैं और उसके बाद भाई अपनी इनकम हो जा रही तगड़ी वाली। चलो ठीक है, फिर से हम लोगों ने रूम नंबर 1 तैयार कर दिया, बहुत ईजी है भाई, मस्त है। लेकिन जो अपना रूम नंबर 2 है उसको अनलॉक करने में भाई अपनी नानी याद आने वाली है। अपने को टोटल $400 कम से कम चाहिए, $200 अनलॉक करने के लिए रूम नंबर 1, उसके बाद बेड के भाई बहुत पैसे लगेंगे। यहाँ पे अपने सारे के सारे मेहमान भाई बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि कब हमारा नंबर लगेगा। एंड ओ भाई, ये कौन सा रूम है भाई, ये आर्केड जोन है क्या? रुक जाओ, जाओ बाहर चल के देखते हैं भाई अपने बगल में यहाँ। ओ दोस्तों, ओ भाई साहब यार, घाता का आर्केड जोन है एंड इसके अंदर हम लोग बहुत सारे गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, मतलब अपने जितने भी कस्टमर्स आएंगे वो खेलेंगे। एंड यहाँ पे अरे भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ा गेम है भाई ये। इसके अंदर टेनिस कोर्ट, मतलब बैडमिंटन वाला है कि टेनिस वाला, कमेंट करके बता देना। लेकिन कोई ना कोई तो है, काफ़ी सारे गेम्स वगैरह हम लोग इसके अंदर खेल सकते हैं, तो ये बहुत शानदार बात है। आज रूम साफ़ करते हैं एंड उसके बाद भाई पैसे कमाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अपने को सारे के सारे रूम अनलॉक करने हैं। एंड भाई अपने पास 2 फ्लोर और हैं जिसको अपने को अनलॉक करना होगा, बट अभी गेम की शुरुआत है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड चलो भाई, इसको देते हैं वापस पैसे और इसके बाद चलते हैं भाई, देखते हैं और क्या क्या सिस्टम है। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक सर सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कर देना। एंड चलो, पहला दिन खत्म हो गया है और नेट प्रॉफिट भाई -$164 भाई माइनस में हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, इसको धीरे धीरे हम लोग प्लस मिलाएंगे। एंड ये क्या भाई, पैसे मिलेंगे क्या? ऐड देख लेते हैं थोड़ा सा भाई, बहुत मेहनत लगेगी। चलो दोस्तों यार, हम लोगों ने ऐड देख लिया एंड अपने को $150 मिल गए, मतलब यार अब हम लोग रूम नंबर 2 अनलॉक कर सकते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, रूम नंबर 2 अनलॉक कर लेते हैं। अभी भाई यार गेम की शुरुआत है इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ऐड वगैरह थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि बाद में भाई ये सिस्टम शायद बंद हो जाए। तो चलो ठीक है, रूम नंबर 2 भाई काफ़ी बड़ा है यार। चलो, हम लोगों ने बेड वैसे ख़रीदा हुआ था, मतलब 2 बेड अपने पास थे शुरुआत में ही, तो इसका यूज़ हम लोग कर लेते हैं। एंड बाकी यार अपने पास टॉयलेट नहीं यार, पैसे फिर कम पड़ जाएंगे यार, $42 अपने पास है। एंड टॉयलेट अपने को कितने का मिलता है वो अपने को नहीं मालूम है, तो आ जाओ देखते हैं यार यहाँ पे क्या चल रहा है अपने टॉयलेट का रेट। एंड कहाँ गया बाथरूम, ये रहा बाथरूम एंड सारी अरे $50। एंड ये क्या है भाई, रुक जाओ, अपने पास ये भी है, हम लोगों ने भाई इसको पैसे से नहीं खरीदा, अपने पास ये पता नहीं क्या है, करंट है क्या पता नहीं क्या है, बोल रहा हूँ उसका नाम, उससे हम लोगों ने टॉयलेट भाई मंगा लिया है, तो ये बहुत अच्छी वाली बात है। पैसे के अतिरिक्त भाई अपने पास ये चार्जिंग का पता नहीं कोई सिस्टम है, उससे भी हम लोग खरीद सकते हैं, तो 25 अपने पास बचे हुए हैं, उसका यूज़ हम लोग बाद में करेंगे। एंड रूम नंबर 2 दोस्तों यार कम्प्लीटली हम लोग तैयार कर देते हैं, ताकि इससे भी थोड़ा बहुत और रेंट आता रहे ना, तो अपने को फ़ायदा मिलेगा। एंड आज भाई हम लोग बहुत सारे के सारे, नीचे तो 5 रूम है एंड फर्स्ट फ्लोर पे भी मेरे को लग रहा है 5 रूम होंगे, तो उसको देखा जाएगा। एंड रूम नंबर 2 तैयार हो चुका है भाई। चलो ठीक है, इनके पैसे वापस करते हैं और चलते हैं भाई। चलो भाई साहब, मस्त तरीके से दोस्तों यार हम लोगों ने रूम नंबर 1 और 2 तैयार कर दिया है। एंड रुको जाओ यार, साफ़ सफाई में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बंदे यार 5 सेकंड रहते हैं एंड उसके बाद चले जाते हैं। और ये कौन है भाई, हायर अ क्लीनर, अच्छा ऐड देख के क्लीनर। चलो दोस्तों यार, हम लोगों ने ऐड देख लिया एंड 5 मिनट के लिए हम लोगों ने हायर कर लिया क्लीनर, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, अब अपने को रूम वगैरह क्लीन नहीं करना पड़ेगा 5 मिनट तक, तो ये बहुत सही वाली चीज़ है। एंड वैसे हम लोगों को करना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है भाई, अभी मेहनत ज़्यादा लग रही है इसलिए मैं कर रहा हूँ, बाद में देखा जाएगा। एंड एडम चचा फिर आ चुके हैं, रूम नंबर 1 रेडी एंड $6, बहुत शुक्रिया भाई आपका। एंड चलो, सारे के सारे रूम भाई अपने भर चुके हैं, इसलिए अब अपने पास रूम है नहीं। रूम नंबर 3 दोस्तों अपने को शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड देखते हैं भाई इसके लिए क्या, अरे $250 में अनलॉक होगा भाई। जैसे जैसे रूम बढ़ रहे हैं भाई, अपने पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं, $250 का केवल अपने को यहाँ पे अनलॉक करना है रूम एंड उसके बाद भाई। एंड अच्छा ठीक है, अपना टास्क है कि अपने को ये स्विमिंग पूल भी बाय करना है, जो कि ये $900 का भाई। यार रूम अनलॉक करें कि बाय करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली भाई, $900 ये एंड $250 वो, मतलब $1,150 अपने को चाहिए। 2000 years later. ऑलराइट यार, काफ़ी देर हो चुकी है एंड बहुत मेहनत के बाद हम लोगों ने $250 कमा लिए, इसलिए मैंने सोचा भाई रूम नंबर 3 भी अनलॉक अपने को कर लेना चाहिए। एंड अरे जैसे जैसे रूम बढ़ रहा है भाई, बहुत बेहतरीन रूम होते जा रहा है, साइज़ मेरे को ज़्यादा लग रहा है। अपने पास बेड वेड तो है नहीं, आ जाओ इसी को लगा देते हैं, शायद अपने को थोड़ा सा ज़्यादा रेंट मिल सके। अगर हम लोग शायद ज़्यादा यूज़ करेंगे चीज़ें नई, तो अपने को शायद ज़्यादा रेंट मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी गेम्स में ऐसा देखा है। और जो ये लाइट है भाई, सीलिंग लाइट है, चलो मस्त तरीके से लगा दिया हम लोगों ने इसे। एंड अपने पास और क्या है, सारी की सारी चीज़ें भाई इसी रूम में लगा देते हैं, ताकि अपने को ज़्यादा किराया वगैरह मिल सके एंड अपनी कमाई तगड़ी वाली हो। चलो ठीक है, ये उठाया और इसको रख दिया यहाँ पे,
और क्या है, अच्छा ये भाई सीएनडी वगैरह है, तो इसको हम लोग आ जाओ यहाँ पे सेट कर देते हैं मस्त तरीके से दोस्तों, ताकि यहाँ पे जो बंदा रुके ना उसे भाई बहुत अच्छा लगे। एंड यहाँ पे अगर अपने को कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा ना तो अपने लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी अपना जो होटल है वो 1 स्टार का है, अपने को 5 स्टार में ले जाना इसको किसी भी कीमत पे। तो चलो रूम नंबर 3 अपना तैयार तो वैसे हुआ नहीं। एंड ओ भाई रूम नंबर 4 और 5 यार बहुत ज़्यादा महंगा है, कम से कम अपने को $2,000 की ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, बहुत मेहनत लगने वाली है दोस्तों। मज़ा आ गया, लेकिन रुक जाओ आ जाओ यहाँ पे रूम नंबर 3 में भाई हम लोगों ने बेड वगैरह रखा नहीं, इसलिए अभी हम लोग उसको यूज़ में नहीं ले सकते हैं। चलो ठीक है, इसको दिए पैसे। एंड अब भाई चलते हैं, भाई एक भी रूम नहीं बचे हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, अरे भाई अपने को क्लीन करना पड़ेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ओ गाइस यहाँ पे एक और आ चुका, अच्छा रिसेप्शनिस्ट भी हम लोग रख सकते हैं, आ जाओ भाई थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भाई अपने जो होटल के रूम है सारे के सारे भाई हम लोगों ने एक कर्मचारी कर लिया है, वही करेगा सारा सारा काम। एंड चलो ये भाई दे रही रूम। एंड ओ ये भी भाई वो है ना, क्या नाम है इसका, DJ आलोक भाई साहब, यार पूरा फ्री फायर के कैरेक्टर से भरे हुए, वही है भाई, मेरे को याद आ रहा है। एंड ये कौन है भाई, कैली वैली है क्या, पता है भाई कौन सी कैरेक्टर है फ्री फायर के, भाई कमेंट कर देना, जो जो खेलता होगा वो बता लेगा। एंड भाई यार बहुत ज़्यादा मस्त गेम है। चलो ठीक है, हम लोगों ने भाई रूम नंबर 1 तैयार कर दिया, रूम नंबर 2 तैयार कर दिया, रूम नंबर 3 के लिए अपने को बिस्तर खरीदने हैं तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, रूम नंबर 3 और 4 और 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समंदर भी खरीदने वाले हैं, भाई मजाक कर रहा हूँ, समंदर खरीदने का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन पूल जरूर खरीदेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अच्छा दोस्तों यार अभी अपने होटल की रेटिंग धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग भाई कुछ टाइम पे 5 स्टार पे पहुंच जाएंगे, उस समय अपना होटल बहुत ज़्यादा लग्जीरियस रहेगा, तो मज़ा आने वाला है दोस्तों इसकी सीरीज़ में। मैं इसके सारे के सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब इस गेम को जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक प्ले करने वाले हैं। एंड आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।